नमस्कार, आप देख रहे हो आपी का चैनल यूट्यूब रतनगढ़ धार्मिक और मैं रतनगढ़। हमेशा धार्मिक कार्यक्रम दिखाने की इस चैनल पर कोशिश करता हूँ। आज भी आपको एक ऐसा कार्यक्रम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो धार्मिक से रिलेटेड है। रतनगढ़ के अंदर बहुत ही शानदार अभी कुछ ही समय के पश्चात कलश यात्रा निकाली जाएगी और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो स्थान है गनेड़ियों का मंदिर। बस स्टैंड के नज़दीक भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर यानी ठाकुर जी का मंदिर है। गनेड़ियों का मंदिर बहुत ही शानदार और प्राचीन मंदिर है। सामने जो आप देख रहे हो कथावाचक श्री श्री 108 महंत श्री रामकिशोर शरणदास जी महाराज अयोध्या वाले। हाँ जी, ये जो महाराज आप देख रहे हो सामने, ये है श्री रामकिशोर शरणदास जी महाराज अयोध्या वाले। आज कलश यात्रा का कार्यक्रम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले कलश यात्रा निकले, मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा धार्मिक समाचार सुनाने की कोशिश करता हूँ। शक्तिपीठ श्री जीण माता मंदिर रतनगढ़। हाँ जी, शक्तिपीठ जीण माता मंदिर रतनगढ़, यहाँ श्री जीण माता रो मंगसरियो मेलो वार्षिक उत्सव 2022 मनाया जा रहा है। मावलियों का मोहल्ला रतनगढ़, 24 नवंबर 2022। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, 24 नवंबर 2022 बृहस्पतिवार से 30 नवंबर 2022 बुधवार तक यहाँ श्री संगीत में मत भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम होने वाला है। कथा का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक। आप देख रहे हो गनेड़ियों का मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ अभी आप देख रहे हो श्री श्री 108 महंत श्री रामकिशोर शरणदास जी महाराज अयोध्या वालों का स्वागत किया जा रहा है। कुछ ही समय के पश्चात कलश यात्रा का कार्यक्रम होगा, वह भी आपको मैं दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। उससे पहले कलश यात्रा निकले, मैं आपको यहाँ की जो कार्यक्रम है उसके बारे में अवगत करा दूं। सुंदरकांड पाठ होगा 29 नवंबर 2022 शाम को 7 बजे। हवन होगा बुधवार 30 नवंबर 2022 दोपहर 2 बजे और जीण माता मंगल पाठ होगा बुधवार 30 नवंबर 2022 शाम को 7 बजे और महाप्रसाद बुधवार 30 नवंबर 2022 शाम को 7:15 बजे से, और जागरण भी होगा बुधवार 30 नवंबर 2022 रात्रि 9:30 बजे, और महाआरती होगी बृहस्पतिवार 1 दिसंबर 2022 प्रातः 11 बजे। जागरण सानिध्य हैं पालवास महंत श्री श्री 108 विक्रमनाथ जी महाराज, और यहाँ गायक कलाकार पधारेंगे श्री रेखा राम जी राणा एंड पार्टी रतनगढ़। तो कथा स्थल होगा शक्तिपीठ श्री जीण माता मंदिर मावलियों का मोहल्ला वार्ड नंबर 15 रतनगढ़। देखते रहिए, सामने आप देख रहे हो श्री संतोष बाबू इंदौरिया जी संरक्षक है मंदिर के, शक्तिपीठ श्री जीण माता मंदिर महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए और इंदौरिया जी का तिलक करते हुए यहाँ के पंडित जी। समय समय के साथ में मैं आपको धार्मिक कार्यक्रम रतनगढ़ में जो भी कार्यक्रम होते हैं मैं हमेशा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के अगर आप धार्मिक कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कार्यक्रम को शेयर अवश्य करें ताकि सभी भक्त इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि 24 नवंबर यानी आज बृहस्पतिवार से 30 नवंबर तक संगीत में श्री मत भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होने वाला है मावलियों का वास रतनगढ़। तो अब चलते हैं, देखो अभी इन्होंने कलश
जो यहाँ के यजमान हैं उन्होंने कलश धारण कर लिया है और यहाँ मंदिर के अंदर अभी सर्वप्रथम में फेरी लगा रहे हैं, उसके बाद यहाँ कलश यात्रा प्रारंभ होगी। तो देखते रहिए, देखते रहिए आप हमारा चैनल रतनगढ़ धार्मिक। जय श्री श्याम, जय लड्डू गोपाल, जय श्री श्याम, जय हनुमान, जय जीण माता, जय करणी माता। एक बार मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि शब्दों में कहीं भी बोलने में अगर कहीं मेरे से भूल चूक हुई हो तो मैं आप भक्तों से माफ़ी चाहूँगा, रतन वर्मा। तो देखते रहिए आप कलश यात्रा रतन का। प्रणाम जी। क्या हाल है राम जी? ठीक सर। श्री राधा रे मन हरि गोविंद, जय जय श्री राधा रे गोविंद, जय जय गोपाल जय। ओह बिल्कुल।